दोस्तों कि आप लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे न्यू अपडेट आ गए हैं जिससे आपके व्हाट्सएप में यहाँ पे स्टेटस की जगह अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, अपडेट शो कराएं, यहाँ पे चैनल शो करें, आप लोग अपडेट ऑप्शन को हटाना चाहते हैं या आप लोग व्हाट्सएप पे चैनल को क्रिएट के लिए हैं, आप लोग चैनल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लोग ये सब कुछ एक क्लिक में इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और चैनल कैसे डिलीट कर सकते हैं, चलिए बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ कमेंट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा व्हाट्सएप न्यू अपडेट, इतना आपको कमेंट कर देना है। फिर यहाँ से बैक आ जाना है। दोस्तों मैं यहाँ पे देखे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ओपन किया हूँ तो यहाँ पे देखे व्हाट्सएप ओपन हो गए। यहाँ पे सभी की चैट, सभी के ग्रुप शो करें, ऊपर देखे अपडेट का ऑप्शन शो करा। दूसरे से मेरे में ऊपर ही नेविगेशन बार है, हो सकता है मैं नीचे हो। यहाँ पे देखे अपडेट, यहाँ पहले स्टेटस का ऑप्शन रहता था लेकिन अब अपडेट का आ गए। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखे स्टेटस ऊपर शो करते हैं, नीचे चैनल का ऑप्शन शो करा। दोस्तों से अगर आपको व्हाट्सएप में अभी तक ये फीचर नहीं मिला, आप लोग इसे यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना है और आपको अपने मोबाइल में आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और फिर आपको यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिख कर सर्च करना है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप लिखेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। अगर आपका व्हाट्सएप पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपडेट कर लेना है, तो दोस्तों आप में भी ये ऑप्शन मिल जाएगा। फिर जैसे मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैं अपडेट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर स्टेटस शो करें, जिसका जिसका स्टेटस आप लोग देखना चाहें क्लिक करके देख सकते हैं, खुद लगाना चाहें प्लस वाले पे क्लिक करना है। अगर जो म्यूट वाले हैं तो यहाँ देखें म्यूटेड शो करें, आप लोग म्यूट वाले स्टेटस को देख सकते हैं। और जो यहाँ पे देखे नीचे चैनल का ऑप्शन शो करा है, ये सभी के चैनल शो करें। दोस्तों से आप लोग चैनल क्रिएट करना चाहते हैं प्लस वाले पे क्लिक करना है, क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोफाइल फोटो लगा देना है, चैनल का नाम लिख देना है, बायो जो भी लिखना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिख देना है, क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है, चैनल क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों लेकिन जैसे आपका चैनल क्रिएट है, आप लोग चैनल को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके फॉलोवर होंगे तो यहाँ पे फॉलोवर शो करेंगे, चैनल लिंक शो करा। जैसे हमें चैनल को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा और नीचे आना है और कौन कौन से लोग ज्वाइन है यहाँ पे शो करेगा। आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट चैनल, यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ डिलीट और ये आपका चैनल का नाम शो करेगा। आपको यहाँ डिलीट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखे कंट्री और यहाँ पे मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको इंटर करना होगा, मतलब आपको इसे वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ डिलीट यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे इतना किया हूँ तो यहाँ डिलीटिंग और देखिए चैनल डिलीट हो गए। इस तरह आप लोग चैनल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये अपडेट ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक काम करना होगा, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। तो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन मिल जाएगा, तो आपको उसे डाउनलोड करना है, इसे आपको डिलीट करना होगा, लेकिन पहले आपको बैकअप ले लेना होगा, नहीं फिर आपका जो भी चैट है ये भी हट जाएगा। तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, चैट्स वाले पे क्लिक करना है और नीचे आना है, यहाँ चैट बैकअप यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ गूगल अकाउंट पे आपको कोई भी एक जीमेल को सिलेक्ट कर लेना है, बैकअप वाले पे क्लिक करना है, तो दोस्तों ये बैकअप हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको इस व्हाट्सएप को डिलीट करना होगा, फिर जो ओल्ड वर्जन आप लोग एपीके फाइल डाउनलोड किए हैं उसे इंस्टॉल कर लेना है और इस बैकअप को रिस्टोर कर लेना है, तो दोस्तों ये ऑप्शन हट जाएगा। दोस्तों लेकिन ये नहीं है कि काफी टाइम तक आप लोग चला पाएंगे, हो सकता है एक दो महीने चले, फिर यहाँ पे जैसे ही व्हाट्सएप पे न्यू अपडेट आएगा तो दोस्तों वर्क नहीं करेगा, फिर आपको इसी व्हाट्सएप को यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे व्हाट्सएप से चैनल को कैसे डिलीट कर सकते हैं और व्हाट्सएप से अपडेट ऑप्शन को कैसे हटा सकते हैं।